जब हम माल्टा में आने वाले होते हैं, जो हमारा सारा प्लानिंग जब हो रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि जैसे ही माल्टा में पहुंचेंगे उसके दूसरे दिन से जो है हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम माल्टा में एंट्री करते हैं, जैसे ही माल्टा में आते हैं, पहुंचते हैं अपने रूम पे, तो हमें पता कुछ और ही लगता है जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट में होता है। तो आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे और जो भी डिटेल्स है सारा हम शेयर करेंगे। और ये जो वीडियो है ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे है। यूट्यूब पे इस टाइप का वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है प्रॉब्लम फेस करते हुए। इसलिए मैंने सोचा कि जो भी अभी माल्टा में आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होगा। और वीडियो को स्किप कर देंगे तो वो चीज़ आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जब आप माल्टा में आएंगे तो आप डायरेक्टली जो है शॉक हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं था। इसलिए वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि माल्टा में जब हम आते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। जब हम माल्टा में लैंड कर जाते हैं, अपने रूम पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो है हमें पता लगता है कि हमें मेडिकल कराना है, इंश्योरेंस लेना है, ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आईडी प्रूफ का अप्रूवल चाहिए। ये सारे चीज़ें जो है हमें करना होता है। तो आज जो है हम इसी चीज़ के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे इसको किया जाता है। माल्टा में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बंदा जैसे ही माल्टा में पहुंचता है उसके दूसरे दिन से बोलता है आप काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम कंपनियां जो है विदाउट ब्लू कार्ड का, जब तक कार्ड नहीं मिलता है तब तक जो है वो काम स्टार्ट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो उसके लिए जो है हमें ऑलमोस्ट 20 to 30 days वेट करना पड़ता है। और वो किस लिए वेट करना पड़ता है आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट काम है वो है मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप जो है उसके लिए जब आप आ रहे हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं से, दुबई, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपका जैसे कंफर्म है कि हाँ मैं इस तारीख को जाने वाला हूँ और माल्टा में इतने बजे पहुंच जाऊंगा, अगर सेम डे में आपको अगर टाइम मिलता है तो उसी दिन का आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए कोई भी मेडिकल में। मैं मेडिकल का जो है दो चार मेडिकल का वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और वो जो अपॉइंटमेंट है आपको अपने होम कंट्री से ही लेना है। जब आप माल्टा आने वाले हैं उसे एक दिन या दो दिन पहले ही अपॉइंटमेंट लेके रखें और सेम डे का, नहीं तो अगर आप यहाँ आके लेंगे तो शायद आपको दूसरा दिन, तीसरा दिन, चार दिन, पांच दिन भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है क्लिनिक के ऊपर वो कितना जल्दी आपको अपॉइंटमेंट देता है। फिर आपको उस अपॉइंटमेंट में जा करके वहाँ पे आपको एक्सरे कराना होता है और जो है एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है पोलियो वगैरह का। मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वैक्सीनेशन में क्या क्या लगा होना चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो उस चीज़ पर भी है जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस टाइप का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप वहाँ से बनवा कर लाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट साबित होगा आपके लिए। तो जब आप एक्सरे करा लेते हैं, मेडिकल चेकअप करा लेते हैं, तो उस पेपर को जब क्लिनिक आपको देती है, मेडिकल चेकअप जो रिजल्ट है वो देती है, वो उस पेपर को आप कंपनी में लेके जाएंगे, कंपनी को सबमिट करेंगे। कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है उस पेपर को IDCU में फॉरवर्ड करेगी, वहाँ पर मेल करेगी, बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पे वो मेल करेगी कि ये बंदा है नया आया है और इसका ये मेडिकल चेकअप हुआ है। और वो लोग वेरीफाई करते हैं, उनका जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस करते हैं। IDCU जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने में, अप्रूवल देने में समटाइम 10 days लगाते हैं, समटाइम 1 week में हो जाता है, वो डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम जो है 10 days में वो लोग दे देते हैं। फिर हमारा मेडिकल हो गया, IDCU के लिए कंपनी ने फॉरवर्ड कर दिया हमारा जो पेपर है। उसके बाद में जो है इंश्योरेंस लेना पड़ता है। जो इंश्योरेंस में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो अपने तरफ से प्रोवाइड करती है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बंदे को बोलती है कि आप खुद से लो, तो वो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। उसका कॉस्ट अराउंड 80 to 100 euro आता है, वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी से इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, तो डिपेंड करता है। और ये दोनों काम आप सेम डे में करेंगे तो बहुत अच्छा है। और उसी दिन आप ट्राई करें, जैसे ही आपका मेडिकल चेकअप हो जाता है कंपनी को सबमिट कर देते हैं, उसी दिन आप ट्राई करें आइडेंटी माल्टा में अपॉइंटमेंट लेने का। जी हाँ, यहाँ भी आइडेंटी माल्टा में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे भी जा करके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट करने होते हैं, उसके बाद ही हमें ब्लू कार्ड मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है यहीं पे लगता है आइडेंटी माल्टा के पास में। आइडेंटी माल्टा जो है जब अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप वहाँ पे जाएंगे तो सम टाइम जो है 20 days 15 days, डिपेंड करता है आपको कितना जल्दी अपॉइंटमेंट मिलता है। अगर जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी आपका आईडी मिल जाएगा, ब्लू कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लेट लगता है तो आपको उतना दिन वेट करना पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है
आइडेंटिटी माल्टा में जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा उसके दूसरा दिन से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारे जो प्रोसेस है हमें खुद से करना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है, खुद लेना पड़ता है, जो भी है, जो भी प्रोसेस है हमें खुद से करना पड़ता है। और जो भी बंदे गल्प से आ रहे हैं उनके लिए ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा शौक सा लगता है, क्योंकि गल्फ में ऐसा नहीं है, गल्फ में सारी चीज़ें जो है कंपनियां लेती है, कंपनियां करती है। तो इसलिए जो भी गल्फ से आ रहे हैं, इवन मैं भी यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैं भी थोड़ा देर के लिए शौक हो गया था, क्योंकि हर चीज़ें जो कंपनी है खुद से आपको गाइड करेगी, ये करना है वो करना है, बट आपको खुद से करना है, कहाँ जाना है कैसे करना है ये कंपनी नहीं, कंपनी को नहीं मालूम है, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको पहले से पता होना चाहिए और इस चीज़ के बारे में अच्छा से आप जानकारी लेके उसके बाद आइए। सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 20 डेज लग जाता है, तो वो 20 डेज जो है आपको रूम पे ही वेट करना पड़ेगा, आप कहीं भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आपको कंपनी अलाउ नहीं करती है। अभी माल्टा में आ रहे हैं तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने पास पैसा है जो भी है आप अरेंजमेंट करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको ये सारे प्रोसेस मालूम नहीं होता है, जब यहाँ आने के बाद मालूम पड़ता है तो उनके लिए जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित होता है। समटाइम जो है बहुत सारे से बंदे होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है तो उस टाइम जो है बहुत सारा प्रॉब्लम उनके फेस करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि आप आए तो आपके साथ में ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूँ ताकि आपको आने के बाद में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी आप माल्टा में आ रहे हैं तो कम से कम जो है आपको 20 दिन वेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो हमें खुद से करने पड़ते हैं, बस कार्ड, बैंक, लॉट्स ऑफ थिंग हमें करना पड़ता है खुद से, उस चीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बस कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, बैंक में अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, बैंक ओपन अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आपका जो भी फ्रेंड है जो माल्टा में आना चाहते हैं उनके साथ में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको बहुत सारा हेल्प मिल जाए आने से पहले, जो भी अपना अरेंजमेंट है वो करके आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।